शहडोल जिले में ऐतिहासिक बाण गंगा मेला नहीं लगने से छोटे व्यापारी और दुकानदार निराश हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से प्रशासन ने बाण गंगा मेला स्थगित किया है। बाण गंगा मेला ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का प्रतीक है, लेकिन इस साल मेला नहीं लगाया जाएगा। ऐसे में छोटे दुकानदार, व्यापारी और किसानों की आजीविका प्रभावित होगी। आदिवासी संस्कृति की झलक समेटे मेले में खिलौने, मूर्तियां, हथकरघा और घरों में साज सज्जा की वस्तुओं के साथ मनोरंजन करने वाले कलाकार शामिल होते हैं। जो आदिवासी दुकानदार बाण गंगा मेला पहुंचे थे, उनके पास घर वापस लौटने तक के पैसे नहीं है। आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं खड़ा हूं बाण गंगा मेला मैदान विराट मंदिर के सामने, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष मेला नहीं लग पा रहा है, पर चहल पहल जो रहती थी, जो व्यापारी आते थे, कुछ गरीब व्यापारी आते थे जो अपनी आजीविका के लिए इस 5 या 7 दिन के मेले में कई महीनों का अपने राशन पानी का बंदोबस्त कर लेते थे, पर मेला न लगने से व्यापारी भी परेशान हैं, साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल नागरिक हैं वो भी परेशान हैं कि इस बार हमें विभिन्न तरह के झूलों, विभिन्न तरह की सामग्रियों की हम खरीदारी नहीं कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं एक व्यापारी यहाँ पे हैं, उनसे कि किस तरह की कठिनाइयों का सामना उन्हें कर पड़ रहा है और क्या फर्क पड़ा है उनके व्यवसाय में मेला न लगने से। भैया आपका क्या नाम है? नरेश। नरेश भैया, ये बताइए कि हर साल आप आते हैं यहाँ, और इस साल क्या फर्क पड़ा है मेला न लगने से? और पड़ा है भैया, बहुत फर्क पड़ा है कि पूरा माल पड़ा है, बच्चे लेके आए हैं छोटे छोटे, माल भी भींज गया बरसात में, किराया भाड़ा भी नहीं निकल रहा है। भैया बताइए। नहीं जा पा रहे हैं कि किराए नहीं निकलेगा तो कहाँ से जाएंगे। अच्छा, मतलब परमिशन नहीं है, फिर भी मजबूरी में आपको दुकान लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास अब घर लौटने का भी किराया भाड़ा नहीं, क्योंकि इतना सामान आप जो लेके आ गए हैं और उस सामान को ले जाने के लिए भी इनके पास भाड़ा नहीं है। खाने को भी नहीं खर्चा निकल रहा है, आदमी रूखी रोटी बना के खा रहा है नून डाल के। तो ये आप देख सकते हैं, ये व्यापारी हैं जिनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, इनको खाने का भी इनका खर्चा नहीं निकल पा रहा है मेला न लगने से। कई सालों से यहाँ मेला लगता रहा है और सालों से बच्चे, छोटे छोटे व्यापारियों को इंतजार रहता था कि मेला आएगा, दुकानें लगाएंगे और अच्छी रोजी रोटी कमा लेते थे, लेकिन कोविड के कारण जो मेला इस नहीं लग रहा है, तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो काफ़ी हताश हुए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोविड के कारण तो हुआ है, अच्छा है, लेकिन सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए छोटे व्यापारियों को, कि उनके भी रोजी रोटी पे कोई वो असर ना पड़े। तो छोटी दुकानें जो कुछ हो वो करवा सकते थे, खुलवा सकते थे, बाकी बड़ा मेला नहीं लगता था, लेकिन छोटे मेला कुछ तो लगा सकते थे। बिल्कुल, आपका कहना ये है कि जो हमारे छोटे व्यापारी जो फुटपाथ पे दुकानें लगा के अपनी आजीविका चलाते हैं, तो उनको छोटे छोटे दुकानों की परमिशन देनी चाहिए थी, बड़े भव्य रूप में मेला का आयोजन नहीं करना था, लेकिन छोटा तो मेला दिया जा सकता था, क्योंकि देखिए मेला वैसे ही छोटा मेला लगाने से ही बस कोविड को रोका नहीं जा सकता था, बट मार्केट में भी काफ़ी भीड़ रहती है। बट क्या है कि छोटे व्यापारियों काफ़ी दूर दूर से आते थे यहाँ मेला में लगाने, तो काफ़ी डिसपॉइंटेड हैं वो लोग कि मेला इस साल नहीं लग रहा है। आपकी बात भी सही है कि मार्केट में तो भीड़ बराबर हो रही है और नुक्कड़ की दुकानें और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनको भी एक अवसर देना था, एक छोटे रूप में मेले का आयोजन जरूर करना था।